गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस और रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है नेशनल और इंटरनेशनल बूथ उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों आज पितृपक्ष का आखिरी दिन है और कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएँ सभी को और आज अमावस्या का दिन भी है और हैदराबाद की डर भी है काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डालने का कारण यही रहा कि देखो अभी रेसेस थोड़ी गड़बड़ उल्टी सीधी भी चल रही है यार और बच बच के पेशेंस से करो सभी को मालूम तो है ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस पे टिप्स का चैनल है नॉट फ्री टिप्स और डिस्क्लेमर है नो सी शॉट नो गन शॉट नो कन्फर्म बैट हम हमारी चॉइस वैसी देंगे जैसे दे रहे थे आएगा तो ठीक नहीं आएगा तो ठीक हमें दोष नहीं देना और रेसिंग में कोई भी अगर आपको बोल रहा है सी शॉट गन शॉट कन्फर्म बैट तो फ्रॉड कर रहा है ठीक है बाकी पूरी टीम प्रसन्न है यार आगे पीछे उतार चढ़ाव होते हैं हमारे इन दस पाँच दिनों में हमने टिप्स इसलिए प्रोवाइड नहीं की कि अब हम ज़्यादा प्रमोशन नहीं कर रहे हैं हमारी टीम को सबको मालूम है और मेरे ख्याल से आप सभी को भी मालूम है और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे होता है क्योंकि हम पेड़ वाले हैं नॉट फ्री वाले आए नहीं आए बात अलग है कुछ दिनों से रेसेस उल्टी सीधी भी हुई है बट अक्टूबर में पूरी उम्मीद है कि हर हॉर्स को बोर्ड पर लाने की हम कोशिश करेंगे तो डरबी में देखो डरबी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी सारे मैसेज आ गए थे यार तो डर्बी देखो मेरे ख्याल से एक्सलेंट लेस को जीतना चाहिए नो डाउट और इस इज़ वेरी गुड और देखो वहाँ का खुद का जॉकी है सीक्रेट सेंट अक्षय कुमार ठीक है हैदराबाद का खुद का जॉकी है तो उसको भी थोड़ा सा निगाह में रख सकते हैं ठीक है ना बाकी तीन नंबर ठीक है ड्यूक ऑफ टस्कनी तस्क, पे ट्रेवर बैठा है तो मेरे ख्याल से आ, ये फर्स्ट होना चाहिए एक्सलेंट लेस ड्यूक ऑफ टक्सकनी और अक्षय सेकेंड थर्ड में घुसने चाहिए बट यहाँ पर एक और शोर है जो कि मेरे ख्याल से फ्लूक में है सिकिंग अल्फा विवेक जी को बिठाया है सरौफ़ का से पेप्सी श्रॉफ का से और एक्सलेंट लेस तो ठीक है तो ऐसे ही रिजल्ट होना चाहिए फर्स्ट एक्सलेंट लेस को होना चाहिए सूरज को और सूरज ट्रेवर वगैरह आजकल क्या है यार तीस तीस पैसे के पिछले दिनों में देखा ना सूरज ने खाया है अक्षय ने खाया है विवेक ने खाया है तो डोंट वरी बी हैप्पी अब कंटिन्यूस वीडियो आया करेगी और आज हमारी टीम से हमने काफ़ी मुलाकात काफ़ी बातें करी है अब हम थोड़ा टिप्स का ट्रेंड भी चेंज कर रहे हैं अब कुछ कोशिश कर रहे हैं कि अनफेवरेट दे फेवरेट तो सभी को मालूम है जैसे पहली रेस आते हैं देखो पहली रेस में सभी को मालूम है पाँच नंबर देंगे सभी फ़ाइव नंबर देंगे डरबी की बात होगी ना एक्सलेंट लेस को ही लेके चलो अगर प्लेस मिल रही है तो सेफ है नहीं तो डरबी बैठ के देखो उसके मुकाबले तो हॉर्स नहीं दिख रहा है दो टक्कर के हैं वो मैंने बता दिए अब क्या है काफ़ी पढ़ना पड़ेगा काफ़ी काफ़ी और हॉर्सेज डाल दिए यार तो टिपिकल कार्ड तो है जैसे पहली रेस में देखो पाँच नंबर सभी देंगे पाँच नंबर स्टार ऑफ नाइट आज पर टाइमिंग आज सब कुछ ठीक है लेकिन विनर भी है और जुलाई में भी है अभी सितंबर में छः नंबर वन एंड ओनली भी उसको टक्कर दे सकता है ठीक है ना वन एंड ओनली भी बहुत बेहतर और से और बाकी तो दो नंबर भी है ये गड़बड़ करेगा सैडो बेबी फ्लूटर है ये विवेक जी तो हो सके तो पांच की प्लेस ही खेल लो स्टार ऑफ नाइट क्योंकि पहले जैसे एक बार देख लो यार रेसिंग क्या है और मैं हमेशा हमारी टीम को भी बोलता हूँ कि पहले पेडक पे सिचुएशन चेंज कर लो क्योंकि हम एक घंटे पहले टिप्स दे देते हैं हमको खुद को अफसोस होता है जब रेस स्टार्ट होती है उसके बाद पेडक पे आने के बाद हमारी कुछ कुछ टिप्स चेंज होती है अपने दिमाग में बट टिप्स ऑलरेडी हम एक घंटा पहले प्रोवाइड कर चुके होते हैं तो किसी किसी भाई का मैसेज वगैरह आ जाता है जो फ़ोन वगैरह लेके जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा गाइड कर देते हैं बाकी देखो प्रैक्टिकल तो एक बात है कि पैडक पर पे आने के बाद सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है फिर भी अब तक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा पिछले महीने थोड़ा सा आगे पीछे हुई है हमारी टिप्स आगे पीछे मतलब क्या है विनर थर्टी फोर्टी फिफ्टी जो मेन हॉर्स थे वो तो खा गए खा जाते हैं तो अब बड़े पे कोशिश करेंगे तो पहली में देखो फाइव और सिक्स पे टू गड़बड़ कर सकता है सैडो बेबी लेकिन ये फ्लूक होगा पाँच छः का भाव होगा पाँच तो फेवरेट होगा पाँच छः दो में ही गेम हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से बाकी नौ दस भी है नौ नंबर एक है जीनी, मेरे ख्याल से तीन साल का बच्चा है रामा स्वामी का हॉर्स है एम डी को बिठाया है अलाउंस भी दिया है और हम तो प्रैक्टिकली बताते हैं यार ठीक है रेसिंग है उतार चढ़ाव तो आएगा ही कभी डाउन होगा कभी डाउनफॉल होगा कभी अपफॉल होगा और इतने सालों से तो चल ही रहा है यार कभी कभी लगभग फीवियर करता है कभी कभी सारे ही बोर्ड कभी कभी ऐसा होता है सारे उड़ भी जाए तो डोंट वरी रेसिंग का तो उठाओ बट ये अच्छी आदत नहीं है नए लोग ना आए कई लोगों के मैसेज आ गए थे तो मैंने वीडियो बना दी है बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू देखो सूरज क्या करता है आज बट उसके मुकाबले हॉर्सेस और भी हैं बट जहाँ तक पढ़ाई में अभी तक आया क्योंकि इतने सारी पढ़ाई रात भर करने के बाद गर्वी की पढ़ाई करी है मैंने ज़्यादातर ठीक है और कल से कंटिन्यू रहेगा बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू आर सब खुश रहो मस्त रहो मंगलमय रहो मैं इसीलिए मतलब कि इतना प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम तो पेड टिप्स के ऑलरेडी सभी को मालूम है तो प्रमोशन की आवश्यकता भी नहीं है जो खिलाड़ी हैं जो रियल में रेसिंग करना चाहते हैं वो आ सकते हैं बाकी नए बच्चे दूर ही रहें अच्छी आदत नहीं है मैं कह रहा हूँ सेल्फ रेस्पॉन्सिबुल गेमलिंग है और पैसे का जोखिम है कभी कभी भी कुछ भी हो सकता है इसमें तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू आपका दिन शुभ हो हैप्पी नवरात्रि कल से ठीक है थैंक यू